हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्टर ऑफ सर्किल होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो बताया था आपको एरिया ऑफ सर्किल था, आज जो हम बताने वाले हैं वो है सेक्टर ऑफ सर्किल। चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक स्क्रीन पर सर्किल दिख रहा होगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता था कि जो एरिया, देखिए किसी प्लेन पर अगर हम सर्किल को रख दें तो उसकी सर्कमफ्रेंस जितना एरिया कवर करती थी उसे हम कहते थे एरिया ऑफ सर्किल। क्या कहते थे? एरिया ऑफ सर्किल। क्लियर? एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। बट अब ध्यान दीजिएगा, और दूसरी बात ये थी कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम आर कहते थे, यानी कि रेडियस कहते थे। क्या कहते थे? सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते थे? रेडियस कहते थे। बट अभी हम क्या करने वाले हैं? सेक्टर ऑफ आर्क की बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने क्या किया, इस मान लीजिए कि एक सर्किल से मैंने कुछ हिस्सा निकाल दिया, यानी कि इतना हिस्सा निकाल दिया। क्या किया? इतना हिस्सा निकाल दिया, तो इसे हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे? जितना हिस्सा निकाला होगा उस सर्किल से। जैसे आपने देखा हो कि मान लीजिए गोल कोई बर्फी है और उस बर्फी से कोई एक टुकड़ा निकाल दिया जाए तो हम उसे सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं बेटा इसे, देखें सेक्टर कहते हैं बेटा। अब इसके दो टाइप के सेक्टर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेक्टर होते हैं। एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर। क्या होता है? एक होता है मेजर। देखिए, माइनर और मेजर, जिसकी आर्क, ये वाली आर्क जिसकी माइनर होती है, यानी कि माइनर आर्क होगी उसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है बेटा, माइनर सेक्टर। जिसकी आर्क बड़ी होगी, यानी कि जिसकी आर्क मेजर होगी, उसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। क्लियर? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। देखें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये आर होता है। क्लियर? ये जो है, यहां पर जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा कहते हैं, यानी के सबटेंडेड, या जितना हमने पीस निकाला होता है, जितना पीस निकाला होता है वो कितने डिग्री पर निकाला होता है वो हम यहां पर लिखेंगे। तो इसे लिख सकते हैं सबटेंडेड एंगल। क्या कह सकते हैं? सबटेंडेड एंगल कह सकते हैं इस थीटा को, ठीक है। और ये जो आर्क है इसे आर्क ऑफ लेंथ कह सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कह लीजिए या आर्क ऑफ लेंथ कह सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क को मैं एल से डिनोट करूंगा। किससे? एल से। तो मैं यहां आपको दो फॉर्मूले देने वाला हूं। किसके? देखिए, एक तो देने वाला हूं लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर? लेंथ ऑफ आर्क होता है एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ओके। सर्कमफ्रेंस पूरा ये 2πr होता है, और 360 थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr एल इज इक्वल टू। तो ये होता है जो आपका लेंथ ऑफ आर्क। बट हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास क्या? देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। तो अभी इसी के बेस पर, इन्हीं दोनों फॉर्मूलाओं के बेस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उन क्वेश्चनों को आज की वीडियो में क्लियर कर लेते हैं, ओके। देखिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड इन द टर्म ऑफ पाई, यानी कि पाई के टर्मों में सॉल्व करना क्वेश्चन को, द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है पाई के टर्मों में। सबटेंडेड द एंगल, देखिए सबटेंडेड एंगल 30 डिग्री, कितना एंगल हटाया? 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड द सेंटर ऑफ सर्किल, और रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इसमें से मैंने कोई एक पीस निकाला है जिसका 30 डिग्री का एंगल है ये, और इसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। मैं इसे O कह लेता हूँ, इसे A कह लेता हूँ और इसे B कह लेता हूँ। तो यहाँ पे रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो मेरा, मुझे किस क्या बताना है? देखिए, लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। लेंथ ऑफ आर्क मैं जानता हूँ, वी नो दैट के क्या है? आर्क ऑफ
लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क कह देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। जब मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करूंगा तो लेंथ ऑफ आर्क क्या रहेगा मेरे पास, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30। 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर 4 हो गया। क्लियर क्लियर। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 12 टाइम गया, ठीक है। 2 से 6 टाइम, 6 से गया 2 एंड 3। तो आपके पास जो आया वो आपका आंसर रहेगा 2 पाई अपॉन 3। क्या रहेगा, 2 पाई अपॉन 3। क्लियर। तो आपकी लेंथ ऑफ आर्क क्या रही, लेंथ ऑफ आर्क रही 2 पाई, लेंथ ऑफ आर्क रही 2 पाई अपॉन 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सर्किल। देखिए जो एंगल घटाया है वो पूछ रहा है, अब की बार पूछ रहा है जो एंगल हमने घटाया है वो बताइए, जबकि रेडियस आपकी जो है 5 सेंटीमीटर के, और जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, 5 पाई बाई 3। तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आपके पास था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर। थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता है, निकालनी है। देखिए लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया गया है 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, एंड थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। रेडियस क्या है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा। देखिए 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दूंगा क्योंकि इक्वल के दोनों साइड सेम वैल्यू है, तो काट देते हैं। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 से ये कट जाएगी वैल्यू 120। क्लियर। तो अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ लिया तो 120 अपॉन 2 इज इक्व टू थीटा। क्लियर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 60। तो हमें जो आपका जो सबटेंडेड एंगल मिला था वो क्या है, 60 रहा। क्लियर। तो ये सबटेंडेड एंगल इज 60। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द आर्क ऑफ लेंथ 20 पाई। आर्क ऑफ लेंथ यानी कि आर्क ऑफ लेंथ कह रहा है 20 पाई। क्लियर। ये कह रहा है सबटेंडेड एंगल इन 144। तो सबटेंडेड एंगल 144, ठीक है, एट द सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल कह रहा है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर, ये आर है भाई। तो लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 20 पाई। क्लियर है सब। थीटा 144 दे रखा है, थीटा आपके पास है 144, थीटा आपके पास 144 है, तो थीटा मैं यहाँ 144 नोट कर लूँगा। तो 144 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। पाई से पाई कैंसिल आउट, नो डाउट, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इन दोनों का डिवाइड दे दीजिए, आपके पास आंसर हो जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू जब हम निकालेंगे, रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो देखें ये आएगा 20 इंटू 360 अपॉन 144 अपॉन 2। क्लियर। देखें 2 से 10 टाइम गया। क्लियर है। आर इज इक्वल टू 10 इंटू 360 अपॉन 144। अब इसे आप कैंसिल आउट कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होने वाला है। तो काट लेते हैं, चलिए 2 से गया 7 और यहां पर 2। क्लियर। 2 से गया 180। क्लियर। 2 से गया 36, 2 से गया 90, 2 से गया 18, 2 से गया 45, 2 से गया 9 और 2 से गया 5, 5, ठीक है। तो R इज इक्वल टू आपका आया 25, ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, मैंने इसे करके दिखाया, बेसिकली मैं करता नहीं हूँ क्योंकि कैलकुलेशन है, इसे आप नॉर्मली कर सकते हैं क्योंकि 6 से 8 तक आपको बेसिक तरीके से ये बता दिया जाता है कि कैलकुलेशन किस टाइप से करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है, सेम क्वेश्चन, सेम सबटेंडेड एंगल 45। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए,
ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करना है वो भी टर्म ऑफ पाई के रूप में। देखिए पाई को कैंसिल आउट यहीं करना है, यहाँ नहीं करना है। एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इन टू 2 पाई आर, क्लियर। तो एल हमारे पास क्या है, एल है हमारे पास 15, थीटा हमारे पास क्या है 45, 45 अपॉन 360, ये 45 है भाई, 45 इन टू 2 इन टू पाई हमें कैंसिल आउट नहीं करना है, आर हमें बताना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, क्लियर। देखिए 15 से ये काटा, 15 थ्री जा 45, यानी 3 आ गया आपके पास, 3 से काटा 120 हो गया, क्लियर 120 हो गया ना, 120 से इसको काटा तो 60 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो ये आएगा आपके पास 16 अपॉन पाई इज इक्वल टू आर, ओके दैट इज आंसर, क्लियर। कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकता है, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मुझे व्हाट्सएप पर, जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर सारी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप सारी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे देखेंगे, फाइंड द एंगल ऑफ सबटेंडेड, यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा क्या है हमारे पास ये पूछ रहा है। सेंटर ऑफ द सर्किल, रेडियस ए है आपके पास, रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू ए, तो आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है ये, एल इज इक्वल टू दे रखा है ए पाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए पाई अपॉन फोर सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है किसका, फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड आउट करवाया है, तो हम यहाँ देखते हैं एंगल की बात करेंगे। तो एंगल हमारे पास क्या है भाई, एंगल देखते हैं, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इन टू 2 पाई आर, सिंपल, ठीक है। एल हमारे पास क्या है, ए पाई अपॉन 4, एल ये है हमारे पास ए पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू हमारे पास थीटा, थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो थीटा अपॉन 360 इन टू 2 इन टू पाई इन टू आर हमारे पास क्या है, ए, क्लियर। ये है देखिए, ए से ए कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल आउट, ओके, यहाँ 2 बचा, 2 से मैं इसे अगर कैंसिल आउट करता हूँ 180 होने वाला है, क्लियर। जब मैं 180 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी थीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 से मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा, 4 जा 16 और 4 जा 20, तो थीटा इज इक्वल टू मुझे मिला 45 डिग्री, क्लियर, एग्जैक्ट क्लियर। तो ये थे आपके सेक्टर के, एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन, और आपका जो है लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो वो मुझे व्हाट्सएप पे आप बोल सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे उसे आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। जो भी क्वेश्चन हैं वो आप देख लें। मैंने 10 क्वेश्चन, देखिए 1 से 5 तक मैंने करा दिए हैं आपको, 1 से 5 तक आपको खुद करने हैं, देन 6 से 15 तक ये मैंने आपको नोट करने के लिए दे दिया, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी बुक्स में इसे सॉल्व करिएगा नोटबुक में। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7500 7500 4102, ठीक है। इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे आप सॉल्व करके तुरंत आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा ये रहा, ठीक है। टेलीग्राम पर एस के स्टडी पॉइंट मथुरा के नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपको नई नई वीडियो इसी तरीके से देता रहूँगा। अगर आपको बेसिक के अलावा एडवांस कंटेंट चाहिए तो एडवांस कंटेंट के लिए आप मेरे ऐप पर जा सकते हैं, ओपन विंडो एजुकेशन, वहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।